Assalamualaikum, welcome to my channel. उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एलोवेरा फेस क्लीनर का। ये एक साइड गनी का प्रोडक्ट है, इससे पहले भी काफ़ी प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। मैं वही प्रोडक्ट्स का रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ जो प्रोडक्ट्स पहले से मैंने यूज़ किए हुए हों या यूज़ कर रही हूँ। आज का रिव्यू भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो बात करते हैं क्लीनर की। ये मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए। पहले बात करते हैं हम इसकी प्राइसिंग की। इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है, जो है आप दराज से बाय कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट से, इसके डिफरेंट आउटलेट्स हैं आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो प्राइस जो है मैं साइट पे मेंशन कर दूंगी। क्लीनर के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑल स्किन टाइप से यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो कोई भी इसमें इस तरह का इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं है जो आपकी स्किन को अफेक्ट करे या आपकी स्किन को डैमेज करे, कुछ भी ऐसा नहीं है। सब नेचुरल्स इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके सारे मेंशन हुए हुए हैं, जो जो इसके अंदर चीज़ें इन्होंने डाली हुई हैं जिससे ये इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। अगर हम बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो काफ़ी बड़ा जार है, वीडियो में इतना बड़ा ये नहीं दिख रहा। आप इसे आराम से मंथली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वीकली यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आराम से आपका यूज़ हो जाएगा 2-3 मंथ। बहुत ही जो है अच्छी इसकी पैकेजिंग की हुई, ऊपर इस तरह से इन्होंने कवर दिया हुआ है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट और जो है इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है। सईद गनी का आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करेंगे उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होगी, जैसे कि इस पे हो रही है 2022 से 2025 तक इसकी एक्सपायरी डेट है। चलें जी बात करते हैं इसकी जार की। इसका जार जो है प्लास्टिक मटेरियल में है, ये बहुत अच्छी तरह से इसका कवर बंद हो जाता है, कहीं गिरने का लीकेज का कोई मसला नहीं है, आप आराम से ट्रैवलिंग पे से लेके जा सकते हैं। मैं अगर इसकी पैकिंग खोल के बताऊं तो कुछ इस तरह से ऊपर इन्होंने दिया हुआ है प्लास्टिक कवर, जिससे ये अच्छी तरह से हो जाता है पैक। अब बात करूंगी मैं इसकी कंसिस्टेंसी की। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है देखने में, कि मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ किस्म का मटेरियल है। अब मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी कि इसे आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। आप थोड़ा सा लेंगे क्लीनर, इसे अपने फेस पे, निक पे, नोज पे, फोरहेड पे लगा के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से आपने करना है मसाज। बिल्कुल आपने थोड़ी सी लेनी है, फिर अगर आपको नीड पड़े तो आप थोड़ी सी और ले लें मटेरियल, और इसे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से जो है आपने क्लीनिंग करते रहना है पूरे फेस पे, निक पे। बहुत ही अच्छे देखने को रिजल्ट मिले हैं, मैंने इसे काफ़ी टाइम यूज़ किया है। अगर बात की जाए इसके यूजेस की, तो मैं जो है इसे मेकअप रिमूवर के तौर पे यूज़ करती हूँ। मैं पहले फेस को वॉश करती हूँ, उसके बाद जो है फेस पे अप्लाई करके ये किसी टिश्यू या मेकअप स्पंज की मदद से इसे जो है मैं रिमूव कर देती हूँ अपने फेस से, जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को जो है ये शाइन करता है, नेचुरल ग्लो लेके आता है, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है। ये देखें, अगर मैं आपको बता सकूं तो ये कुछ इस तरह से ग्लो आ रहा है। आपको खुद भी आप फर्स्ट यूज़ पे ही आपको पता चल जाएगा इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। इससे पहले भी सईद गनी के काफ़ी प्रोडक्ट्स पे मैंने रिव्यू किया है, अनबॉक्सिंग की वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे पेज से। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।